नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में इस वक्त की पांच बड़ी खबर है जिसे हम आपको रूबरू पढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि संस्थान को 201 एकड़ से अधिक जगह आवंटित की गई है और यह लगभग 1195 करोड़ की लागत से बनेगा। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। साल 2020 खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया 2021 का स्वागत करने को बेताब है। हालांकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और ऊपर से इसका नया स्ट्रेन भी सामने आया है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने न्यू ईयर से पहले ही पाबंदियां लगा दी है। भारत में भी कई राज्यों ने अपने यहाँ नए साल के जश्न को लेकर कई गाइडलाइन जारी की है। नए साल का जश्न मनाने से पहले अपने राज्यों की गाइडलाइंस को एक बार जरूर जान ले, वरना कहीं जश्न फीका न रह जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी 2021 की सुबह 6 बजे तक और फिर 1 जनवरी की रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। भागलपुर में बेरोजगारी से तंग आकर एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है। परिजनों ने बताया है कि वह पिछले एक साल से नौकरी नहीं मिलने से परेशान चल रहा था। परिजन समझा भी रहे थे पर वह हमेशा शांत रहता था। उसे फंदे से लटकता देख परिजन इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 26 साल के इंजीनियर प्रसून कुमार के रूप में की गई है। घर वालों ने बताया कि मंगलवार की शाम नाश्ता करने के लिए उसे खोजा जाने लगा तो वह नहीं मिला। जब परिजन ऊपरी तल्ले पर गए तो देखा कि वह रस्सी से फंदा बनाकर उसे लटक रहा था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में सिपाही में बहाल होने के लिए शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए 41 फर्जी अभ्यर्थी हवालात पहुंचे हैं। इन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी फर्जी अभ्यर्थियों को पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया है और सभी पर FIR दर्ज कर ली गई है। सभी का फिगर प्रिंट और फोटो मिलान किया गया तो इनका नहीं मिल सका और जिसके बाद सभी 41 लोगों को हिरासत में लिया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 3 दिनों तक दिल्ली NCR में शीतलहर के चलते जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।